क्या आपको पता था कि 2021 में आने वाली फिल्म ड्यून आखिर किस किताब पर बेस्ड है और क्या इस बुक पर फिल्म और टीवी सीरीज भी बनाए जा चुके हैं? अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीयार और आपकी आज की होस्ट, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रास स्टूडियोज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले ड्यून नॉवल को डेविड लंच ने 1984 में एक फिल्म में अडॉप्ट किया था। तब उसमें पॉल एट्रीडस के रोल में काइले मैकलेकलन और सपोर्टिंग कास्ट में लीसिया विट, ब्रैड डोरिफ, वर्जीनिया मैडसन, पैट्रिक स्टीवर्ट, डीन स्टॉकवेल, सीन यंग और म्यूजिशियन स्टिंग भी थे, जिनको क्रेडिट भी नहीं मिला था। हालांकि लंच की ये फिल्म अब एक कल्ट स्टेटस पर आ चुकी है। आपको जान के ताजुब होगा कि रिलीज के वक्त फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले थे दर्शकों से, नॉवल के फैंस से, क्रिटिक से और यहां तक कि डेविड लंच के अन्य फिल्मों के फैंस से भी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाबी नहीं मिली थी और अपने 40 मिलियन के बजट को भी रिकवर नहीं कर पाई थी ये फिल्म। फिर 2000 में एक साइंस फिक्शन चैनल ने भी किताब को टीवी सीरीज में अडैप्ट किया था। 2000 में आया था शो फ्रैंक हर्बर्ट्स ड्यून और 2003 में आया था फ्रैंक हर्बर्ट्स चिल्ड्रन ऑफ ड्यून। 2003 वाले शो ड्यून मसीहा और चिल्ड्रन ऑफ ड्यून किताबों पर ही आधारित थे। दोनों शोज में पॉल एट्रीडस की भूमिका में स्कॉटिश अभिनेता एलेक न्यूमैन नजर आए थे, जिनको हम द बास्टर्ड एग्जीक्यूशनर और स्ट्राइक बैक में देखते थे। 2003 का फ्रैंक हर्बर्ट्स चिल्ड्रन ऑफ ड्यून में प्रिंसेस विंसिकिया के रोल में सुजैन सैरेंडॉन नजर आई थी और लेटो टू एट्रीडस की भूमिका में जेम्स मैकऑवे दिखे थे। हालांकि दोनों शोज को किताब की असल मुद्दे से मोड़कर अननेसेसरी ड्रामा और इमोशंस भरने के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया था। 1984 की डेविड लंच की फिल्म से ज्यादा पसंद किया गया था। पहले पार्ट फ्रैंक हर्बर्ट्स ड्यून को 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स भी मिले थे और सेकंड पार्ट फ्रैंक हर्बर्ट्स चिल्ड्रन ऑफ ड्यून को भी एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड मिला था। 2008 और 2011 में पैरामाउंट पिक्चर्स ने 2 बार इस नॉवल को अडेप्ट करने की कोशिश की थी, एक बार डीप वाटर हॉरिजन के डायरेक्टर पीटर बर्ग के साथ और एक बार पेपरमिंट के डायरेक्टर पायरे मॉरल के साथ, मगर दोनों ही प्रयास नष्ट हो गए थे। फिर 2016 में लेजेंडरी एंटरटेनमेंट ने ड्यून के टीवी और फिल्म राइट्स खरीद लिए थे और अराइवल और ब्लेड रनर 2049 जैसी फिल्मों के ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर डेनिस को मौका दिया गया था। अ स्टार इज बॉर्न के स्क्रीन राइटर एरिक रॉथ फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए राजी हुए थे और रॉथ और डेनिस को राइटर्स बन चुके थे। जॉन स्पैथिस फिल्म के को राइटर बन चुके थे, लेकिन फिल्म के सीक्वल लिखने के लिए उन्होंने इस पार्ट को छोड़ दिया था। अभी देखने को ये होगा कि डेनिस इस फिल्म को कैसे लाते हैं दर्शकों के सामने। खैर, आप इस बारे में कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है सैस रेष्ठ दास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।